हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह का कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं, अपने स्नैक वीडियो पर अपलोड करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब चैनल के लिए भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आपको सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में और दिखाएंगे कैसे क्या किया जाता है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे कि स्नैक वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो होते हैं जो कि कार्टून कैरेक्टर से बने होते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं। और स्नैक वीडियो पर अभी ट्रेंडिंग टॉपिक ज्यादातर चल रहा है कि कार्टून वीडियो को ऐड करके उसमें म्यूजिक ऐड कर दे रहे हैं। म्यूजिक ऐड करने के बाद वो लोग जैसे कि डांसिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो उससे मतलब लाइक बहुत ज्यादा आ रहा है उन लोगों का और फॉलोवर्स भी बढ़ रहा है। अगर आप भी अपनी स्नैक वीडियो पर कुछ लाइक्स वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और कैसे क्या बनाया जाता है आपको पूरा हम डिटेल में दिखाएंगे और क्या बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का कार्टून करेक्टर वीडियो आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। देखिए हम कैसे बनाते हैं और कहाँ पर जाते हैं। इसके लिए पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप डाउनलोड कर लीजिए जेपी, तो आपको ये डाउनलोड कर लीजिए। पहले से डाउनलोड कर चुके हैं, इसे डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इसमें थोड़ा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप अपने फेसबुक से भी इसको रजिस्टर कर पाएंगे और या तो मोबाइल नंबर से ही कर लीजिएगा। तो इसे हम खोलने देते हैं। खोलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा, जिसमें आपको अपना कैरेक्टर चूज करना है। कैरेक्टर चूज करने के बाद यहाँ क्रिएट पर क्लिक कीजिए। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद तो जैसे कि आप समझ लीजिए कोई डांसिंग टाइप का वीडियो बनाना चाहते हैं तो नीचे जाइए। आपको काइंड मास्टर पर आ जाना है। आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा आपके सामने। आपको तो पता ही होगा, अगर आप काइंड मास्टर यूज करते हैं तो फिर आप प्लस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, फिर 9.16 को चूज कर लीजिए, फिर यहाँ से जो आपने कैरेक्टर डाउनलोड किया है उसे चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद नहीं, पहले आप इसको डिलीट कर दीजिए। पहले आप मीडिया फाइल में जाकर बैकग्राउंड चूज कर लीजिए। बैकग्राउंड ब्लैक को ले लेते हैं हम। फिर अपने वीडियो के हिसाब से हम इसको बढ़ा लेते हैं। फिर लेयर में जाएंगे, फिर मीडिया में जाएंगे, फिर हमने जो डाउनलोड किया है कैरेक्टर वाला को उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। फिर इसको हम अपने हिसाब से सेट करके लगा देंगे। फिर क्रोमा की में जाएंगे, क्रोमा की अनेबल कर देंगे, फिर इसे थोड़ा सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद ओके को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए कुछ इस तरह का मतलब आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर हमको म्यूजिक ऐड करना है। म्यूजिक ऐड करने के लिए हम कुछ म्यूजिक ले लेते हैं। म्यूजिक हम कोई भी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, लाइक एक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।